वेलकम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? एकदम अच्छे से हैं तो उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जूलियस सीज़र जो है उसके क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो जी, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड ए सैटन पार्टी ऑफ रोमन्स विश टू किल जूलियस सीज़र? क्यों एक पार्टी जो थी रोमन्स की, जो ये चाहती थी कि वो जूलियस सीज़र जो है उसको किल करें, उसको मार दें, ठीक है? इसका जवाब है, अ फ्यू रोमन्स वायर जेल्स ऑफ सीजर्स ग्रोइंग पावर। कुछ रोमन्स थे जो जेलस थे, यानी कि जिनको जलन थी या जिनको जो है हसद था दिल में उसकी ग्रोइंग पावर के साथ, उसकी बढ़ती हुई कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, ठीक है? ग्रोइंग हो गया बढ़ना, पावर होगी ताकत, ठीक है? वेरी गुड। दे फियर दैट जूलियस सीजर माइट बी ऑफर द क्राउन एट द नेशनल गेम। और उन्हें इस बात का भी डर था, फियर हो गया डर होना, कि जो जूलियस है इसको किसी भी हालत में ताजपोशी की जाएगी एट द नेशनल गेम्स के दौरान, ठीक है? सो दे विश टू किल जूलियस सीजर। तो वो चाहते थे, उनकी यही चाहती कि जूलियस सीजर को वो मार डाले, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड कैलिफोर्निया बैग सीजर्स नॉट टू गो टू द कैपिटल? जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया एक्चुअली उसकी बीवी है, बीवी का नाम है, ठीक है? हैड ए ड्रीम इन विच शी सा सीजर्स स्टैचू फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग लाइक ए फाउंटेन। उसने एक ख्वाब देखी, ड्रीम हो गया ख्वाब देखना, ठीक है? इन विच शी सा, उस ख्वाब में उसने क्या देखा, जो सीजर का मजस्मा है, स्टैचू यानी कि मजस्मा है, उससे क्या, उससे खून उमड़ रहा था, ठीक है? लाइक ए फाउंटेन, जैसे कि फाउंटेन, जिस तरीके से फवारे को कहते हैं, जैसे फवारे से पानी उबता है, इस तरीके से। मैनी रोमन्स वायर बाथिंग देयर हैंड्स इन इट। तो बहुत सारे रोमन्स उसने ख्वाब में देखे थे कि अपने हाथ धो रहे थे, किसमें, खून में, एंड स्माइलिंग, और हंस रहे थे। शी टुक इट एज एन इल ओमन। तो उसने इसको क्या माना, इल ओमन यानी कि एक बुरा शगन। कैलिफोर्निया फियर्ड सम ग्रेव डेंजर टू सीजर्स लाइफ, यानी कि कैलिफोर्निया जो है, जो उसकी बीवी है, वो डर जाती है, फियर हो गया डर जाना, कि कुछ ग्रेव डेंजर यानी कि मरने के, ऐसे जैसे उसे लगता है कि सीजर को जो है लाइफ डेथ की या कोई उसकी ज़िंदगी खात्मा होने का ऐसा कोई वहाँ पे किस्सा हो सकता है, ठीक है? सो शी बैग्ड सीजर्स नॉट टू गो टू द कैपिटल। तो उसे बैग करती है, वो उससे जो है दरख्वास्त करती है कि आप वहाँ ना जाएं, ठीक है? तो नाउ विद द थर्ड क्वेश्चन, What two reasons did Antony give to show that Caesar was not ambitious? आंसर है जिसका जवाब है, फर्स्टली वो ऐसी क्या दो चीज़ें थी जो एंथनी ने कही कि जो सीजर था वो एम्बिशियस नहीं था, वो लालची नहीं था। जवाब में पहली चीज़ है, फर्स्टली सीजर वॉज ऑलवेज काइंड एंड जेनरस टू द पुअर। जो सीजर था, पहली बात यह है कि वो काइंड था, मेहरबान था, जेनरस था, यानी कि कुशादा दिल था, किन के लिए, टू द पुअर, गरीबों के लिए। एंड सेकेंडली ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द क्राउन, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द क्राउन, यहाँ पे टू आएगा, कि उसने बिल्कुल जो ताजपोशी उसको कबूल नहीं किया, ठीक है? उसने इनकार कर दिया, रिफ्यूज हो गया इनकार करना। ओके, लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज ब्रूटस डिसीजन टू मार्च फ्रॉम सार्दिस टू फिलिपी रॉन्ग? जो बोलो उसका डिसीजन था, किसका जी, ब्रूट्स का, जो उसने किया था कि वो सार्दिस से फिलिपी जाएगा, किस लिए, बैटल के लिए, बैटल वॉर जो था उनके बीच में हो रहा था, ठीक है? उसका और उसका जो एंथनी है, ठीक है, ओके, उनके बीच में जो हो रहा था। आंसर इसका है, बाय मार्चिंग ऑन द फिलिपी, आंसर है बाय मार्चिंग ऑन टू फिलिपी, ब्रूट्स आर्मी लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ दियर पोजिशन अपॉन हायर ग्राउंड्स। जब ये फिलिपी की तरफ बढ़े, ठीक है, ब्रूट्स आर्मी जो है उनको नुकसान उठाना पड़ा, किसका,
एडवांटेज ऑफ दियर पोजीशन, जो कि उनको एडवांटेज था, जो उनको फ़ायदा था किसका, जो उनकी पोजीशन थी हायर ग्राउंड्स पे, ऊंचे 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 ग्राउंड्स पे, ठीक है। वाइल ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड से क्या होता, क्या हुआ, जो ओक्टेवियस था और एंथनी था, हैड द एडवांटेज ऑफ गुड डिफेंस पोजीशन। ओक्टेवियस और एंथनी जो था, उनको फ़ायदा उठा, यानी कि वो फ़ायदा ले पाए किसका, ऑफ़ ए गुड डिफेंस पोजीशन, जो उन्होंने अच्छी पोजीशन इख्तियार कर ली थी, एज वेल एज ए फ्रेश एंड रेस्टेड आर्मी, और जो उनके पास फ्रेश आर्मी थी और रेस्टेड आर्मी थी, यानी कि वो तैयार करके बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। एंड दियर आर्मी डिफीटेड कैसिस एंड ब्रूटस आर्मी क्विट ईजली, तो उन्होंने आराम से जो है कैसिस और ब्रूटस की आर्मी को हरा डाला। सो ब्रूटस डिसीजन टू मार्च टू फिलिपी वाज रॉन्ग, तो ये जो ब्रूटस का डिसीजन था मार्च कहाँ की ओर, फिलिपी की ओर, ये एक रॉन्ग था, ये गलत था। ओके लेट्स मूव अहेड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई हैज़ ब्रूटस बीन कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दिमाग, जो ब्रूटस था उसको क्यों कहा गया नोबलेस्ट, इज्जत मआब, या आप ये कहें कि एक काबिल एहतराम इंसान, नेक इंसान, उसको ऐसा क्यों कहा गया। आंसर इसका यह है, वाइल ऑल द अदर्स कंस्पायरेटर्स किल्ड सीजर बिकॉज दे वेयर जेल्स ऑफ हिज ग्रोइंग पावर, जो इसका आंसर है, वाइल ऑल अदर्स कंस्पायरेटर्स किल्ड सीजर बिकॉज दे वेयर जेल्स ऑफ हिज ग्रोइंग पावर, जो सब के सब कॉन्स्पायरेटर थे, यानी कि कॉन्स्पायरेटर वो लोग होते हैं जो कोई ऐसा काम करना चाहें या ऐसा काम करने की तैयारी कर रहे हों, कोई ग्रुप हो बंदों का, इन लोगों का, जो ऐसा काम करने की तैयारी कर रहा हो जो गलत काम हो, तो यानी कि इनका गलत काम ये था कि ये उसको सीजर को मारना चाहते थे, ठीक है, यानी कि वो कॉन्स्पायरेटर थे, ठीक है। ओके तो ये जेलस थे, इनको बहुत जो था ये उसकी जो बढ़ती हुई ताकत है, ठीक है, उससे ये बहुत क्या थे, उससे बहुत जल रहे थे, उससे बहुत इनको जो है उनको बहुत हसद हो रहा था। ब्रूट्स डिड सो ऑनली बिकॉज हिज शीर लव फॉर रोम एंड इट्स पीपल, बट रोमन ने, ब्रूट्स ने ये इसलिए किया क्योंकि वो रोमन का बहुत प्यार करता था, ठीक है, हिज शीर लव फॉर रोमन, उसको बहुत प्यार था रोमन के, रोमन्स के साथ, ठीक है, रोम के लोगों के साथ, ठीक है, एंड इट इस पीपल। ही वॉज द ऑनली मैन हु हैड ऑनेस्ट थाट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, वो एक वाहिद शख्स था, ठीक है, उन कॉन्स्पायरेटर्स में से जिसके सही सोच थी किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, यानी कि लोगों के फ़ायदे के लिए, वेलफेयर हो गया लोगों का फ़ायदा, जिसमें लोगों की अच्छाई हो। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ द मॉल, इसीलिए उसको जो है नोबलेस्ट, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम रोमन कहा गया उन सब में से, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे पास जो इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे से समझा होगा, तो आप वीडियो भी देखें पहले पूरा लेक्चर, ता जाके आपको ये अच्छे से समझाएंगे। हमारे साथ बने रहें, बाकी जो हमारे पास और जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने लिए अच्छा करिए, अपने माँ बाप का ख्याल करिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।